ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते उसमें, दैट इज व्हाट इट मींस. कंजर्वेशन मींस कंजर्व मींस इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़ा था ना आइंस्टाइन का लॉ, बस वही है. तो क्या था, दिस लॉ वॉज पुट फोर्थ बाय एंटोनियो लेवेसियर इन 1789. याद आया, एक साइंटिस्ट था ये वाला, ये फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने 1789 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड ही परफॉर्म, जो एक्सपेरिमेंट किए बेसिकली कंबशन रिएक्शंस के बारे में किया, चीज़ों को जला जला के देखा, एंड ही परफॉर्म दोज एक्सपेरिमेंट वेरी केयरफुली, इतना केयरफुली उन्होंने किया कि उन्होंने जरा जरा सी चीज़ों को भी नोट किया, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ही कंक्लूडेड कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देर इज़ नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस. मीन्स जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हो उसमें फिजिकल चेंजेस होंगे और केमिकल चेंजेस होंगे, पर दोनों चेंजेस के अंदर वट ही इज़ फाइंडिंग, दो फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो हो रहे हैं बट द नेट मास बिफोर एंड आफ्टर बर्निंग कोई चेंज नहीं हो रहा है, द मास इज़ कॉन्स्टेंट. कहने का मतलब, जैसे हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि बर्न करूँगा, इट विल प्रोड्यूस वाटर, मीन्स दिस इज अ प्रोडक्ट एंड दीज आर द रिएक्टेंट, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग वाटर. बट आप बोलेंगे हम तो कंबशन की बात कर रहे थे, यहाँ पानी बन गया, यहाँ हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन करने गए. प्लीज़ रिमेंबर, कंबशन मीन्स जब हम किसी चीज़ को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं, दैट इज़ वट इज़ कॉल्ड, दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ समथिंग विद ऑक्सीजन, सो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इनडायरेक्टली वी आर सेइंग इट्स अ कंबशन रिएक्शन, किसी चीज़ को जला रहे हैं. तो हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, इट फॉर्म्स वाटर, एंड बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड कि ही रीच टू अ कंक्लूजन दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, एंड दैट इज वाई दिस इज लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास इज कंजर्व्ड, आप कितना भी जला लो केमिकल फिजिकल चेंजेस तो होंगे पर मास शुरू में जितना था लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में बराबर ही होगा. क्लियर?